यार किधर रह गए चपाती भाई। मैंने उनको बोला था कि हमें रात को जाना पड़ेगा गन स्टोर के अंदर और वहां से हमें मोटे मोटे वेपन्स खरीदने हैं, और अभी तक चपाती भाई बाहर नहीं आए हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे हॉर्न बजाने की कोशिश करता हूँ। और चपाती भाई जल्दी आ जाओ। अरे टैंक क्यों लेकर आ गए, टैंक को अंदर कर दो, हमें गाड़ी में जाना है। अरे तूने तो बोल कर रखा था कि हमें जेल के अंदर जाना, यूसुफ के भाई को छुड़ा के लेके आना है। अरे भाई वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें खुद को प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें गन स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से हमें मोटे मोटे वेपन। पागलों को देखो, तुम्हें पता नहीं गाइस ये टैंक है, ये समझ नहीं रहे कि यार इनको डेफिनेशन टैंक के लगता है, पता नहीं होगा। लेकिन चलो लोगी मान को बंदा खड़ा है, अब इनको गोली मारते हैं गाइस, ये पागल हो चुके हैं। काम करते हैं अपना, टैंक छोड़ के ना लोगी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं। तेरी क्या कर रहे भाई, सारी गाड़ी मेरी स्क्रैच कर दी इन लोगों ने। सॉरी गाइस, हमें थोड़ी बहुत ना गेम थोड़ी बहुत ध्यान से खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम मैं और लोगी शुरू करने वाले GTA 5 के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंड डेंजरस मिशन, वो भी ऑनलाइन की दुनिया के अंदर। और जा कहां है तू? अरे अभी हम जा रहे हैं गन स्टोर के अंदर, मैंने आपको बताया तो सही। तो सुनो, प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मुझे थोड़ी देर पहले यूसुफ का टेक्स्ट आया था और उसने बोल के रखा है तो जल्दी खुद को प्रिपेयर करके आ, क्योंकि आज वो हमें गाड़ी चोरी करने के लिए पहला मिशन देने वाला है। यार वो मनमा ना दे भाई, भाई वो कसम से बर्बाद ना दे। तो गाइस अभी तक तो आपको फंडा समझ में आ चुका होगा। बेसिकली हमारे पास लॉगी के पास GTA 5 के अंदर रोकड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसने यहाँ पर गाड़ियां चोरी करने का बिजनेस शुरू करके रखा हुआ है। और लास्ट वाली वीडियो में गाइस आपको शायद याद होगा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में एक छोटी सी मैकेनिक की शॉप भी लेके रखी थी, जहां पर हम चोरी की गाड़ियां लेके जाएंगे, उसको मॉडिफाई करके एकदम से मार्केट के अंदर बेचेंगे ट्रिपल प्रॉफिट। तो, और भाई हम ऑल्सो एक और चीज भी कर सकते हैं, मुझे यूसुफ ने बोल के रखा है। क्या? तो उसने कुछ बंदे हायर किए हैं और उसने बोल के रखा है कि हम वहां से गाड़ी के पार्ट्स भी निकाल सकते हैं, तो लिटरली हम यहां पर गाड़ियों को सैल्वेज भी कर सकते हैं। अरे लेट्स गो, तो चलिए गाइस अंदर घुसते हैं। हेलो चाचू जी, कैसे हो? तो सबसे पहले ये तो मैं ऑलरेडी जानता ही होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर मेंबरशिप वाला कार्ड है। ओके, यहाँ से सबसे पहले मेरे को मोटी वाली बंदूक ले ली है। जरा मैं चेक कर लूँ, तो गन्स तो मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे जानना है क्या ऐसे कोई नया वेपन यहाँ पर लगाया है क्या। ओके सब तो मेरे पास है, एक काम करते हैं, ये मिनी गन का एमो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फुल कर लेता हूँ और साथ में अपना रॉकेट भी यहाँ पर फुल कर लेता हूँ। स्टिकी भी ले ले यार, अगर पुलिस वगैरह पीछे आ गए ना तो हमें इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिकीज होनी चाहिए साथ में। ये भी फुल है, अपने ग्रेनेड्स भी फुल है, ये प्रॉक्सिमिटी मान यार सारे खाली हो चुके हैं, तो मैं ये भी थोड़े बहुत ले लेता हूँ। और हमारा स्टिकी बम का स्टॉक भी एकदम से अभी बढ़ चुका है, लेट्स गो। और अभी बंदा कोई पंगा लेके दिखा रहा, लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 कर दूंगा मैं यहाँ पर। कैप्टन का फोन कहाँ से आ गया भाई? कैप्टन के साथ हम बाद में निपट लेंगे। और एक काम करते हैं, यहाँ पर आ ही गए तो थोड़ा सा हैवी आर्मर भी खरीद लेते हैं। ओके लेट्स गो लॉगी, अभी आजा, हमारे यूसुफ भाई जो है गैरेज के अंदर वेट कर रहे होंगे। ओ ये लेट्स गो लेट्स। और आपको याद है ना भाई, उसका कजन जमाल एकदम से नूबड़ा। अरे वो जमाल था, बहुत कमाल का बंदा यार। अरे भाई जमाल नहीं है, पिछली वीडियो में तो भाई आप सही गालियां दे रहे थे उसको। अरे हाँ याद आया भाई, मेरे को लगा था कि तो यूसुफ के दूसरे कजन के बारे में बात कर रहे हो, जो कि फिलहाल जेल के अंदर बंद है। अरे वो नहीं यार, मैं दूसरे बंदे की बात कर रहा हूँ जो आज हमारे, हाँ भाई वो पालक जो इस मिशन में हमारा भाई लेफ्ट हैंड मैन है लिटरली। यार वो मेरे को लगता है कि वो बंदा लेफ्ट हैंड मैन नहीं, वो मरवाने वाला हैंड है भाई, वो मरवाने वाला भाई एकदम से भाई, पुलिस का हाथों पकड़वा के हमें वहीं पे छोड़ के भाग जाएगा, वो ऐसा बंदा है वो। वही तो यार, उसने भाई आपको पता ना, यूसुफ ने बोल के रखा है कि सारे मिशन की प्लानिंग वही करेगा। तो जैसे लेस्टर करता है ना, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन लिखता है, तो वो उसकी जॉब है। अभी तू कहां पे हॉलीवुड के अंदर जा रहा है? आई थिंक हम यहां पर गलत जा रहे हैं, अगर मैं मैप चेक करके देखूं तो। और ये रहा भाई हमारा सैल्वेज यार्ड बिल्कुल नीचे बना हुआ है, कम ऑन आई थिंक इसी गली के अंदर है। अरे ये रहा भाई हमारा ऑटो रिपेयर का साइन भी यहां पर आ चुका है, और बिल्कुल इसी गलियों के अंदर हमारा सीक्रेट वेयर हाउस बना हुआ है जो ये रहा। तो एक काम करते हैं, गाड़ी सीधा ले चलते हैं अंदर, और अभी हमें जल्दी से यहाँ पर पहले यूसुफ के साथ पहले मिलना भी होगा। और किधर है वो पालक? ये देखो अभी तक उसी पोजीशन में बैठा है जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में इसको छोड़ा था। अभी क्या फोन के ऊपर, ये भी फोन के ऊपर लगा हुआ है, और ये दूसरा आलू मटर, ये देखो पीछे खड़ा मटर की जो मटर वाली यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हुई है ना, ये भी फोन के ऊपर लगी हुई है। ये अपना सर जी सामने काम कर रहा है, मेरे को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को टैक्स कर रहे हैं। ये कर क्या रहा है भाई, ये अटक गया एक पोजीशन के अंदर, कर क्या रहा है ये? उल्टियां कर रहा है पर उल्टी है इसकी। भाई साहब यार, ये लेस्टर ने कैसे बंदे पकड़ के ये लेकर आया? जरा मैं अपने ऑफिस के अंदर देख लेता हूँ, ऑफिस के अंदर तो कोई नहीं है ना। और आपको याद है इसी पोस्टर के पीछे हमारा सेफ भी बना हुआ है सीक्रेट वाला, जिसका बैलेंस फिलहाल $0 है, लेकिन होपफुली आगे जाकर ये सेफ भी पूरा पैसे से भर जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जिस लेवल के अपने बंदे काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक ये भरेगा, आई थिंक ये और खाली हो जाएगा। हाँ जीरो से भी हो सकता है भाई, माइनस में जा सकती है भाई, काम एक बंदा भी नहीं कर रहा यहाँ पर। पहले मैं
को यहाँ पर बंद कर लेता हूँ, और काम तो भाई वो तब करेंगे जब हम बाहर से गाड़ियाँ लेकर आएंगे। ओके लेट्स गो। सबसे पहले गाइस हमको पालक से मिलना होगा और पालक से हमको नेक्स्ट वाले मिशन जो है लेने पड़ेंगे। आजा नीचे आ, जो शुरू करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले हमें पहले यहाँ पर एम वाले मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रजिस्टर एज अ सीईओ, तभी तो हमारा काम यहाँ पर शुरू होगा। तो अभी हमें यहाँ पर सरजी का कंप्यूटर यहाँ पर खोलना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी गाड़ी यहाँ पर चोरी करनी है। महंगी वाली ले भाई, महंगी वाली ले। यहाँ पर तीन गाड़ियां आ चुकी हैं, मैं सोच रहा हूँ ये नीली वाली ले लें। कर ले। तो अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करूँ तो देखा अभी आ गया ना कंफर्म दिस व्हीकल। ओके वो तेरी। ये देखो भाई ये पालक ने तो एक्चुअली थोड़ा बहुत काम करके रखा है। ओके ये उसने बोल कर रखा था कि वो सीक्रेट नोट्स लिखेगा दीवार के ऊपर जो कि किसी को नजर नहीं आएंगे अनलेस ये लाइट ऑन होती है। तो ओके मैंने जमाल के साथ सारी बातें कर ली हैं और उसने बोल के रखा है कि जो गाड़ी हमें यहाँ पर चोरी करनी है, लाइक जो मिशन हमें यहाँ पर करनी है, उसकी सबसे ज्यादा नॉलेज उसके कजन को है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका कजन फिलहाल जेल के अंदर बंद है। होली क्रैप, सबसे पहले उसके कजन को छोड़ के लेके आना है क्या? हाँ भाई, तो हमारा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल है। उसने सिर्फ बोल के रखा है कि पहले तू पुलिस स्टेशन के पास जा, कोई हाई पॉइंट ढूंढ और वहां से हमें तेरी भाई पहले यहाँ पर पुलिस घूम रही है। ब्रो ये पुलिस से बंगले ले रहा है भाई, ये कितनी फास्ट जा रहा है यार वो बंदा, वो देख रहा उसको। अरे ऑब्वियसली भाई यहाँ पर कोई ना कोई इमरजेंसी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बिल्डिंग की पार्किंग लॉट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और इसने बोल के रखा है कि हमें पुलिस स्टेशन की चारों ओर यहाँ पर पिक्चर लेनी है, तो आई थिंक ये कोई ना कोई सिक्योरिटी कोड यहाँ पर तोड़ने के लिए मे बी इनको फोटो चाहिए होंगी। Okay, let's go. वैसे प्लानिंग इन लोगों ने मस्त वाली करके रखी हुई है, और देख रहे भैंस की मेरे को पता भी नहीं था पुलिस वाले के दुकान के ऊपर जो है चॉपर खड़ा हुआ है। ओके तो आई थिंक पहले हमें ये चॉपर की फोटो भी लेनी है। तो right. ये देखो, तो बिल्कुल हमें भाई सारे पिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहली फोटो जमाल को भेज लेता हूँ। नाइस okay, तो पहली पिक्चर यहाँ पर हो चुकी है। अभी आई थिंक हमें दो तीन और यहाँ पर खींचनी है। तो उसने बोल के रखा है कि अगली पिक्चर हमें यहाँ पर चाहिए ये वेंटिलेशन वाली। कहाँ पर है? तो ये देखो भाई जहाँ पर वेंट्स लगे हुए हैं, तो आई थिंक ये यहाँ पर आएगा। आई थिंक ये जमाल जो है बहुत चालू बंदा है, ये आई थिंक पुलिस स्टेशन के अंदर जो वेंट्स लगे हुए हैं ना मे बी वहाँ से अंदर जा सकता है। हो सकता है, हो सकता है। तो जरा मैं पहले यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ऑब्वियसली ब्रोस बिल्डिंग बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आई थिंक इनके वेंट्स ही बहुत ज्यादा बड़े होंगे। और ऊपर से कुछ एरो बना हुआ है, ऊपर देख कहाँ पर है भाई, देखो देखो एरो से बना हुआ है भाई। हमें वही उसी की तो फोटो खींचनी है भाई उन वेंट्स की। और ऊपर सिक्योरिटी देख रहे क्या टाइट है वहाँ पर यार। तो सबसे पहले देखो वेंट की, ये रहा वेंट अंदर जाने का यार। ये फोटो भी खींच लेता हूँ, इसको भी मैं मुझे भेजना है अभी जमाल को। और ओके अगली फोटो हमारे मैप के ऊपर आ चुकी है और वो है पुलिस स्टेशन की दूसरे साइड पे। ओके निकल गाड़ी लेकर निकल गया, ठीक है। अरे भाई मैं तो नीचे गिर गया चपाती भाई, जरा गाड़ी लेकर आना नीचे। ठीक है ठीक है। तो और एकदम से गाइस नॉर्मल एक्ट करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के ऊपर आ चुके हैं ब्रो। वही तो यार, अगर लॉस सैंटोस की पुलिस को पता लग गया ना तो उनका तो कोई और काम ही नहीं है, वो लिटरली वीवू वीवू करके जो है अपने पास ही आ जाएंगे। ओके आ जाओ नीचे आ जाओ, ध्यान से कहीं गाड़ी के नीचे ना जाइयो। ओके बैठो। और उसने बोल के रखा है, जमाल ने बोल के रखा है कि आखिरी फोटो होनी चाहिए पुलिस स्टेशन के मेन दरवाजे की, जो पीछे वाला दरवाजा है ना उसकी फोटो हमें लेनी है। ओके और वो ऑब्वियसली उसने मैप के ऊपर बता के रखा है कि कौन से एंगल से फोटो चाहिए। बंदे के पास पूरी प्लानिंग उसने करके रखी है यार, व्हिच इज गुड। नहीं तो यार बंदा तो एकदम से मस्त वाला है। ओके अभी यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या? पीछे वाले दरवाजे के लिए ऑब्वियसली पीछे वाले दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी भी बनी होगी, तो अभी हम अंदर कैसे जाएंगे? I don't know, क्योंकि मैं मैप के ऊपर देख रहा हूँ पुलिस कार्स ऑलरेडी खड़े हुए थे। काम करते हैं लॉगी। ये पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है। मैं वो देखो भाई जो सामने जंगला देख रहे हो ना, हाँ। बिल्कुल उसी के लेफ्ट साइड पे अपना दरवाजा। तो अगर मैं यहाँ से फोटो खींचने की कोशिश करूँ को देख लिया तो गोली मार देगा वो। पाऊंगा क्या? सर्री तो यहाँ पर सिगरेट फूंक रहे हैं, बाद में आके इसको फूंकता हूँ मैं। भाई ये सही फोटो नहीं है यार, जमाल बोल रहे और ज्यादा अंदर जाकर फोटो हमें खींचनी है। भाई इतना अंदर जाना था तो खुद को अरेस्ट करवा ले लोगी। अरे भाई खुद को अरेस्ट नहीं करवाना भाई, वो मुझसे फोन भी इसको टपकाऊंगा मैं। अगर मैं ऐसे उतरी यार मेरे ऊपर अरे भाई हमें इसको मारना पड़ेगा भाई, ये ले नुबड़े कहीं के। कमन कमन कमन। और ये रात भाई दरवाजा ये रहा चपाती बाप, सिर्फ गाड़ी रेडी रखो। ओ माय गॉड लगे पुलिस, हेलो सर जी कैसे हो? अरे भागने के लिए गाड़ी रेडी करो। ओके फाइनल पिक्चर हो चुकी है, लेवल 3 हो चुका है यहाँ पर। अरे भाई ऊपर से सही चौपर जा रहे हैं, कमन भाई गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, चलाओ चलाओ, आप ड्राइवर सीट में हो। अरे भाई अबे गाड़ी चलाओ, क्या कर रहे हो, बाद में ड्राइवर स्वॉप कर लेंगे। निकल 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 भागो भागो भागो, भागो, भागो भाई, ऊपर से सही चॉपर्स आ रहे हैं। यार ये जमाल का मिशन तो बहुत ज्यादा स्केरी है, उसने बोल के रखा था कि किसी को कानों का खबर नहीं होनी चाहिए। अभी तो पूरी दुनिया को पता लग चुका है यार। कमन भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाओ, एक काम करो ये नीचे ले जाओ। कहाँ पर? अरे ये नीचे लेफ्ट साइड में ले जाओ, गटर में ले जाओ, गटर में। अरे गटरों के अंदर गाइस आई थिंक पुलिस शायद मे बी नहीं आती होगी, और मेरे को पता है यहाँ पर गटर के अंदर ना एक सीक्रेट गटर बना हुआ है यार। ये वो इस तरफ है, सही जा रहा है, बात सेंस नहीं मेक सेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये समझ जाओ गाइस गटरों के अंदर गाइस सीक्रेट गटर बना हुआ है। सीक्रेट गटर नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ गुफा बनी हुई है छोटी सी।
यहाँ पर वो आएंगे तो इन द मीन टाइम लॉगी लेस्टर को फोन करो ना भाई, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब ड्राइवर स्टॉप करो। हाँ हाँ हो गया, चलो गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और मैं जल्दी से यहाँ पर पहले लेस्टर को फोन कर लेता हूँ। वैसे हमारे स्टार्स तो यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन जस्ट इन केस मैं यहाँ पर लेस्टर को फोन कर लेता हूँ। द क्रीपी अंकल लेस्टर ऑलवेज हेल्प्स। यार लेस्टर लेस्टर भाई हमेशा क्लच में आ जाता है, तो एक सब्सक्राइब बनता है लेस्टर के लिए। और ये देखो यहाँ पर भी ऑटोशॉप बनी हुई है, ये किसी और की हो सकती है। लेकिन भाई ये सही नहीं है क्योंकि बिल्कुल सामने गली में पुलिस स्टेशन बना हुआ है। पता नहीं इनका, मे बी आई डोंट नो क्या पंगा इसका, आई डोंट नो, मे बी उनका नॉर्मल बिजनेस है फिर। ओके लेट्स गो, अभी चलते हैं वापस अपनी सैल्वेज यार्ड के अंदर। और जो फोटोज यूसुफ को चाहिए थी वो लॉगर ने खींच कर रखी हुई है। हम टैंक लेके क्यों नहीं गए पहले ये बता मेरे को। अरे टैंक कुछ भाई, अगर टैंक अगर हम बाहर लेकर गए ना तो पुलिस को पता ही लग जाएगा। ओके लेट्स गो, यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। और ना इस समय यहां पर फाइनली आ चुके हैं। और ये देखो हमारी पिक्चर्स बिल्कुल दीवार के ऊपर यहां पर आ चुकी हैं। ये पालक कहां चला गया, कहां पर है? लगता है भाई वो कुछ एनालाइज का कुछ काम करने गया होगा भाई ऊपर ऑफिस में। और सुनो okay, अभी भाई मैंने नोटिस करके रखा है कि बाहर जो माहौल है ना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। आपको याद है ना भाई वो पुलिस वाला कितनी स्पीड में जा रहा था गाड़ी लेके। इस बार तो लेसर ने बचा लिया, बार बार नहीं बचाएगा हमको वो। भाई तो एक काम करते हैं, अरे भाई ये टॉम कौन है भाई, टॉम के साथ हम बाद में बात करेंगे। और सुनो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर पहला मिशन तो कर लिया, तो शुरुआत हमने यहाँ पर कर ली है और अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जमाल का अगला मिशन करेंगे। हमें एक काम करना चाहिए, हमें अंडरग्राउंड रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है सही है, तो यहीं पे खाते पीते हैं, पिज्जा पुज्जा मंगा लेते हैं। और ये देखो पालक यहाँ बैठा हुआ है। जमाल भाई बन टीवी देख रहा है। अब ये अंडरग्राउंड है यार, ये बन टीवी देख रहा है। और चॉकलेट वगैरह इसने पूरी मंगा कर रखी हुई है। ये भाई सेलिब्रेशन के लिए लेकर आया है। लेकिन चलो तो कुछ दिन हमें गाइस यहाँ पर जो है चिल मारना पड़ेगा। वही तो। और एक काम करते हैं भाई, अगली वीडियो में हम यहाँ पर जमाल का नेक्स्ट मिशन करेंगे। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।